जहर है के प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आज ना मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे खुद के पर्सनल सेंसर बोर्ड की। हमारा सेंसर बोर्ड ना घटोत्कच जैसी मूवीज प्रेफर करता है और पता नहीं क्यों उसे बच्चों की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब हमारे सेंसर बोर्ड ने बहुत बार बकचोदी मचाई है। रिसेंटली उड़ता पंजाब में इन्होंने कह दिया, भाई तुम पंजाबी उड़ा दो पूरा का पूरा, जितनी भी बार पंजाब का मेंशन है सब काट दो भाई। अब इतने काट पीट के तुम जब मूवी रिलीज करोगे ना तो भाई पब्लिक भी थिएटर में से 15 मिनट के अंदर अंदर उड़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने सीधे मूवी बैन क्यों नहीं कर दी, काटा पीटी वाली बकचोदी क्यों दी। हमारा सेंसर बोर्ड ना बहुत नटखट है, दे आर वेरी नॉटी। उन्हें पता है कि अगर इन्होंने मूवी बैन कर दी ना तो भाई पब्लिक खत्म कर देगी उन्हें, उसी ऑन द स्पॉट खत्म कर देगी उन्हें। इसीलिए भाई एक काम करो, काटा पीटी कर दो। ऐसे मूवी देखेगी पब्लिक या फिर नहीं देखेगी तो एक ही बात पड़ेगी, इसलिए भाई कर दो। अब क्यों मचती है इतनी चुल हमारे सेंसर बोर्ड में, क्यों दे रहा है ये इतनी बकचोदी? इसके पीछे भी ना पॉलिटिक्स है। मैं तो कहता हूँ हर चीज के पीछे पॉलिटिक्स होती है। अगर उड़ता पंजाब रिलीज होती है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ इसी देश के लोग देखेंगे, बाहर के भी देखेंगे। और जब वो पंजाब की हालत देखेंगे तो भाई क्या सोचेंगे? बाहर के लोगों की तो स्पेशलिटी है अपनी बात कह के रहते हैं, वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो भाई बाहर से प्रेशर आएगा हमारी गवर्नमेंट पे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। और फिलहाल गवर्नमेंट प्रेशर दे रही है सेंसर बोर्ड को कि भाई तुम काटा पीटी मचाओ या बैन करो। तो देख रहे हो कैसे ये एक साइकिल बन गई, एक दूसरे पे प्रेशर डाले जा रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसी मूवीज तो हर साल बनेंगी, तुम लोग कब तक काटा पीटी कर लोगे, कब तक छुपाओगे भाई? नहीं कब तक, अभी तो पकड़े जाओगे। और पता है जरूरत है पकड़े जाने की, जैसे कि एक ढीठ बच्चा जब तक उसे डांट नहीं पड़ती ना गंदी वाली तब तक कॉपी नहीं छूता वो, और डांट मारती उसी वक्त बैठ जाता भाई कॉपी लेके। चल पढ़ता ना हो, एक्टिंग ही कर रहा हो, लेकिन बैठा तो सही कम से कम। तो इसलिए भाई प्रेशर देना जरूरी है, भाई बैठे तो सही वो लोग, कुछ करने की कोशिश तो करे, एक्टिंग तो करे कम से कम करने की कुछ, वरना ऐसे तो पड़ा रहेगा पंजाब नशे में। इस मुद्दे पे ना इरफान खान ने भी कहा था कि भाई पब्लिक सो रही है, और सही में पब्लिक सो रही है इस देश की। वो जो सेंसर बोर्ड है ना वो असल में सर्टिफाइड बोर्ड है, उसे किसने हक दे दिया भाई काटा पीटी मचाने का? मैं ही बता देता हूं किसने दिया, अंग्रेजों ने दिया है। जो भाई अंग्रेजों के जमाने से रूल लिखे हुए हैं वही चले जा रहे हैं, आलस इतना भर रखा है चेंज करने की कोशिश नहीं की भाई, बस चलाए जा रहे हैं दबादब। इसी वजह से भाई डायरेक्टर्स को उनका खुद का काम सिखाया जा रहा है कि भाई ऐसे होनी चाहिए मूवी, वैसे होनी चाहिए मूवी। इंडिया में ना बहुत टैलेंट है, लेकिन हम इन बकचोदियों की वजह से पीछे रह जाते हैं हमेशा। कभी सोचा अपने पॉलिटिकल मूवीज क्यों नहीं बनती? क्योंकि यहां के लोग बुरा मानने में सबसे आगे हैं। गलती से धक्का लग जाना आप पे चढ़ जाएंगे लिटरली, कैसे दे रहे हो धक्का, शर्म नहीं आती, देख के चलो मैं, हम भाई ऑफेंड हुए हैं, क्या कर रहे हो तुम? तुम कितने भी झाटू कमेंट्स लिख लो ऐसे कि भाई क्या कह रहा है तू, ऐसे तो नहीं होता भाई, तुम्हें अंदर से खुद पता है भाई सही कह रहा हूं। अब वो आमिर खान वाला सीन ही ले लो, चलो चलो माना उसने इंटॉलरेंट का, लेकिन हमने उसे सही साबित करने में कोई कमी थोड़ी ना छोड़ दी, पूरी कसर निकाली उसके ऊपर। अब रही बात उड़ता पंजाब की, या तो हो सकता है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाए और वो पूरी की पूरी रिलीज हो जाए, या फिर जो मुझे अभी तक लग रहा है कि भाई ये केस को बार बार डिले करते रहेंगे और भाई प्रोड्यूसर को वो प्रेशर में आके कट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, रिलीज करनी पड़ेगी फिल्म, वरना भाई रोड पे आ जाएगा वो। यार ये बताओ मुझे कोई क्यों बताए कि मुझे क्या देखना चाहिए या क्या नहीं देखना चाहिए? बाप है मेरे वो बहनचोद, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं देखूंगा, जो नहीं लगेगा मैं नहीं देखूंगा। कौन हो तुम लोग डिसाइड करने वाले कि भाई तुझे ये अच्छा लगेगा या तुझे ये बुरा लगेगा? इतने करोड़ों लोगों के लिए 3-4 बंदे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं अगर सही में तुम लोग ये बात बैठ के सोचोगे ना एक बार, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा कि कैसे ये लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो भाई बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है ये वीडियो छोटी थी और बहुत दिनों बाद डाली है मैंने ये वीडियो, बहाने नहीं मारना चाहता, लेकिन भाई यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतनी बढ़िया है कि मुझे 4 दिन लग गए ये 3 मिनट की वीडियो बनाने में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, एम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं ये वीडियो कैसा करेगी, और अगर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करो। वाई क्या प्रॉब्लम है सब्सक्राइब बटन से? अपना दोस्त समझो यार उसे, उसके साथ छुआछूत की बीमारी खेलो यार, बस क्लिक कर दो, आई डोंट केयर। अब जा रहा हूं मैं यार उड़ता देखने, बाय। मोहित बहुत छुट्टियां मिल गई भाई, शुरू हो जाए इससे पहले लाइट चली जाए। दैट इज इट, लाइफ लेट मी लिव माय लाइफ, लेट मी लिव माय लाइफ विद माय रूल्स। Like a game, we all in a place the same. Don't stop, keep going further, find out your aim.